गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं थेरापेटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। तो जो हमें डिफरेंट क्लासेस पढ़नी है ड्रग्स की, ठीक है, ऑन द मतलब ये जो क्लासिफिकेशन करी हुई है थेरापेटिक एक्शन के बेसिस पे, मतलब ड्रग एक्शन के बेसिस पे, ओके। तो हमें कौन कौन सी क्लास पढ़नी है, एंटासिड्स, एंटी हिस्टामिन्स, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, इसके अंदर हमें ट्रांसक्यूलाइजर्स, बारबिट्रेट्स, एनल्जेसिक्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एंटी माइक्रोबियल्स, इसके अंदर हमें एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट पढ़ना है और एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेशन पूछ लेते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसक्यूलाइजर, डिफाइन ट्रांसक्यूलाइजर, डिफाइन बारबिट्रेट्स, व्हाट आर एंटासिड्स, एग्जांपल दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो फर्स्ट है एंटासिड्स। तो एंटासिड्स नाम से पता चल रहा है, एसिडिटी को एंटा मतलब अगेंस्ट, एसिड, एसिड के अगेंस्ट जो भी आप मेडिसिंस लेंगे वो एंटासिड्स होती हैं, ओके। तो कई बार क्या होता है, स्टमक में ओवर प्रोडक्शन हो जाती है एसिड की, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है, और कई बार क्या होता है अल्सर्स भी जो हैं वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। तो इस एसिडिटी को कम करने के लिए, या हम बोले पीएच को बढ़ाने के लिए, स्टमक के पीएच को बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और एग्जांपल दें तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड्स का मिक्सचर। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड क्या होगा, MgOH2, और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड क्या होगा, AlOH3, AHOH3, ठीक है। तो यूज़ ऑफ NaOH3 इन एक्सेस मेक्स द मेडिसिन एल्केलाइन। कई बार क्या होता है, अगर जब हम NaOH3 को अगर हम एक्सेस में यूज़ करते हैं तो ज़्यादा एल्केलिनिटी, मतलब बेसिक वहाँ पे ये जो मेडिसिन होता है ज़्यादा ही बेसिक हो जाता है, और ये उल्टा ट्रिगर कर देता है किसको, ओवर प्रोडक्शन को एसिड के, ठीक है। तो ये इनका अमाउंट भी बिल्कुल जो रिकमेंडेड अमाउंट हो वही लेना चाहिए। अब ये देखते हैं कि ये एसिड्स की ओवर प्रोडक्शन होती कैसे है। तो एक केमिकल बनता है जिसको हिस्टामिन बोलते हैं, वो क्या करता है, वो सिक्रीट करवाता है स्टमक में पेप्सिन और HCl को, ओके। तो इसके लिए ड्रग, अब देखिए हमें क्या है, हिस्टामिन के एक्शन को स्टॉप करना है, ठीक है। तो उसके लिए ड्रग आता है सिमेटिडिन के नाम से, मतलब ड्रग है सिमेटिडिन और टैगामेट, ठीक है, ऐसे ही रैनिटिडिन, मतलब जिसके अंदर ये रैनिटिडिन सॉल्ट होगा, और ड्रग क्या है जेंटेक, सुना भी होगा जिंटेक, जिंटेक बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये हिस्टामिन की जो इंटरेक्शन है रिसेप्टर्स के साथ उसी को स्टॉप कर देते हैं, जो रिसेप्टर स्टमक वॉल में प्रेजेंट है, हिस्टामिन उसे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और पेप्सिन और HCl को सिक्रीट करवाता है। अब ये जो ड्रग हैं ये उसी, ये हिस्टामिन की इंटरेक्शन ही नहीं होने देते, तो क्या होगा, HCl बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो HCl क्या होगा, बनेगा नहीं, और हाइपर एसिडिटी की कंडीशन को कंट्रोल करा जा सकता है, ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं एंटी हिस्टामिन्स, जो मतलब पर्टिकुलर हिस्टामिन्स को के एक्शन को ही स्टॉप करेगी, ओके। तो कुछ लोग क्या होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं किसी मेडिसिन से, किसी पोलन ग्रेन से जो ये फ्लावर से निकलते हैं, डस्ट से, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड से, फैब्रिक से, कपड़े से भी एलर्जी हो सकती है उन्हें। तो इस हाइपर सेंसिटिविटी को ही एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, केमिकल सिक्रीट होते हैं, और वो केमिकल्स क्या होते हैं, हिस्टामिन होते हैं। तो ये जो हिस्टामिन होते हैं ये नसों को खोलते हैं, जो नस है उसको खोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, डायलेटर्स, वैसो डायलेटर, वैसो मतलब वेन, ठीक है, डायलेटर मतलब उसका डायमीटर बढ़ाना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हिस्टामिन क्या करते हैं, जो स्मूथ मसल्स होते हैं ब्रोंकाई और गट की, उनको तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और बाकी सभी मसल्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, ओके। तो इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेसल कंजेशन, ठीक है। तो ड्रग्स, वो ड्रग्स
जो क्या करेंगे, इसके नेचुरल एक्शन से इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। जो इसका नेचुरल एक्शन है हिस्टामिन का, अगर उसको होने नहीं देंगे, यानी कि हिस्टामिन से कम्पीट करेंगे, कॉम्पिटिशन करेंगे, किसके लिए, बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर से, तो ऐसे ड्रग्स को क्या बोलेंगे, ऐसी ड्रग्स की क्लास को बोलेंगे एंटी हिस्टामिन। तो ये एंटी हिस्टामिन की डेफिनेशन है भाई, वो ड्रग्स जो क्या करें, नेचुरल एलेक्शन ऑफ हिस्टामिन से इंटरफेयर करें, और इंटरफेयर कैसे करेंगे, उनसे कॉम्पिटिशन करें, किसके लिए, कि बाइंडिंग साइट पे हिस्टामिन ना जाके ड्रग चला जाए, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स को क्या बोलेंगे, एंटी हिस्टामिन्स। तो एग्जांपल्स क्या है एंटी हिस्टामिन्स के, क्लोरमफेनिरामिन और ब्रोमफेनिरामिन। एक ड्रग आता है डाइमटैप के नाम से, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, तो इसमें पढ़ना है ट्रांसक्यूलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स, ओके। तो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स में हमें क्या पढ़ने हैं, कौन से ड्रग्स, ट्रांसक्यूलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स।